दारू जंजीरा जकड़ लू इसके बीबी गैंग पे का हूँ पुराना हूँ लगा पूरी ताकत जल्दी ना तो पूरा भस्म कर दूंगा दारू जंजीरा और तेजी से उखाड़ू तेरे दोनों हाथ लगा पूरी ताकत जोर से जल्दी चला लगा पूरी ताकत लगा जल्दी जोर से लगा पूरी ताकत से हाजिर हो लगा लगा पूरी ताकत लगा अंदर बात मत करो तुम बात करने का बोला जला दूं कर दूं पूरा भस्म मारो उसको और मारो झगड़ो उसको तेजी से जिन्ना आते तो मनमानिया कर ताकत लगा जल्दी अच्छा लगा जल्दी जोर से और जोर से हाजिर हो पूरी ताकत से हाजिर हो और जोर से इसके माँ के घर से आया मैं इसके माँ के घर से आया इसके बीबी के माँ के घर से आया परेशान कर रहा इसकी बेबी को इसको परेशान कर रहा डॉक्टर साहब उधर से भी ऐसा घूम के लेते जाने का इधर आने का उधर जाने का जाता डॉक्टर साहब जाता जूस ले रहा डॉक्टर साहब तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब हाथ जोड़ता बेअदब हाथा नीचे रख वो जमीन पे हाथा रख बेअदब ने तो काट दूंगा दोनों हाथा जकड़ो उसको और तेजी से जकड़ो उसको नालायक मारो उसको अंदर से लगाओ उसके अंदर तेजी से आग कौन है तू कौन से जात का जल्दी बोल जिन्नात है इंसान है मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है तू जिन्नात है क्या इंसान है मारे वाला इंसान है जिन्नात है ऐसा जकड़ो उसको और तेज जकड़ो जकड़ो उसको तेज जकड़ो छिनो रे तेरी आजादी दालू तेको बाटल में गाड़ू जमीन में हाँ दूसरों की आजाद है चिंता छिनो तेरी आजादी गाड़ू जमीन में बोल झगड़ो उसको नाला एक और झगड़ो तेजी से लगा कितनी ताकत है तेरी पूरी लगा बच नहीं सकता तू यहां से लगा पूरी कितनी ताकत है तो लगा जल्दी पानी फुका के पिला और उसके अंदर से पेट में से आग लगेंगे उसके नाला के क्यों दे रहा तू उसको तकलीफा क्या बिगाड़ा उन्हें तेरा ऐसा उसकी बीवी पसंद है मेरे को
ऐसा लोगों की बीवियां पसंद आ रही थी, को हराम के ला रहे, उसको पकड़ गट करके निकला, उसको जलाओ, उसके पेट में से भी आग लगाओ तेजी से। जलाओ उसको और तेजी जलाओ, डालो उसको जंजीरा, जकड़ लो उसको तेजी जकड़ो, कर दो पूरा भस्म। बोल क्या करूं, जल्दी बोल, भस्म कर दो पूरा, लगा पूरी ताकत, जल्दी लगा, जिन्नात है ना, पूरी ताकत लगा के बता तेरी कितनी है तो नाला है। चल लगा लगा, बहुत ताकत है ना तेरे में, लगा कितनी ताकत है बता, तेरी ताकत बता जल्दी सबको, जल्दी चल जल्दी। कर दू पूरा खत्म, कर दू बसम, लगा पूरी ताकत। मैं तेलुगु का है डॉक्टर साहब, तेलुगु का हो वो पोता पोता सब बोलता क्या, खत्म करा दू पूरा, जल्दी बोल। इन्हीं खेत में जा रही थी, इन्हीं बसन आ गए। कब की बात है, कब की बात है, के पहले की है। अरे तू क्या मिला रहे मेरे को, शादी के पहले की है रे। कितने सालों का उसको, बाबा बाबा बाबा, दोस्ताना तोड़ दे रहा तू, दोस्ताना तोड़ दे रहा। उन्हें नहीं बोलती थी उसके साथ में रहता था तो, नहीं बोलती थी उसका साथ, मेरा साथ दे रही थी उन्हें, दोनों को सुखा दे रहा था रे भाई, दोनों को सुखा दे रहा था, लास्ट में दवा काले भेज रहा था हफ्ते के शाम में। तू मिल गा रे भाई मेरे को, इसकी शादी नहीं होती, ना पाक हालत थी। मैं हिंदू का हूँ, मैं हिंदू का हूँ, इन्हें पसंद आ गई मेरे को। उसकी हालत देख कैसा कर दिया भाई, किसको भी देख कैसा कर दिया, पूरे थगली भा में डाला। बोला बोला बोला, देख मन बीच में कोई बात मत कर, लिख नोटो भाई। इसके शादी के पहले से हूँ मैं, शादी के पहले से हूँ इसके, उसके वास्ते नहीं निकला, नहीं निकला, सैलानी को भी नहीं मिला, वहां से चलेगा नांदेड़ में, खुर्शीद को नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, उसको भी बीमारी पे डाटो, इसको भी बीमारी पे डाटो। सही बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी ताकत है तेरे में, बहुत बड़ी ताकत है। क्या करने वाला था, उसको मारने वाला था। हाँ, इनको दोनों को ऐसा बीमार रख रख के दोनों को अलग कर दिया मैं, मिलने नहीं दे रहा था कुछ भी नहीं, मिलने नहीं दे रहा था कुछ भी नहीं, तबीयत खराब कर दे रहा था मेरी, तबीयत खराब कर दे रहा था, दोनों में मोहब्बत नहीं रहा था, नहीं रखा, नहीं रखा, अब जाता मैं, ही जाता। कितने साल से परेशान कर रहा था। अब मेरी शादी हुई जब से, थोड़ा थोड़ा था मगर छुपे रुस्तुम था भाई, छुपे रुस्तुम था भाई, छुपके था उसके अंदर में, नहीं जैसा बता रहे वैसा, जैसे वो सादा मिलो सादा होगा। सैलानी का जल से ज्यादा होगा, सैलानी बाबा के पास गए तो कमजोर कर दिया उन्होंने, बहुत ये करे मगर नहीं मिला भाई, उनके पास गए तो चले जाना फिर आ जाना। किसके पास हाजिर नहीं हुआ तू, हुआ था नांदेड़ में, मारा बहुत मेरे को खुर्शीद, खुर्शीद बहुत मारा, मगर थोड़े दिन गया आगा, इसके घर के घरवाली के आंग पे का हूँ मैं। देखा यहाँ पे इस ताकत अल्लाह करम से तुम, अरे भाई जाता रे भाई, मैं जाता रे भाई, नहीं तो पर जान दी तो और लोगों के माँ बहन बेटों को परेशान करेगा। पूरी ताकत लगा, जाता मगर उसको लेके जाता, नहीं जान देते ना तेरे को, यहाँ से जाने देते ना, नहीं उसके घर वाले को लेके जाता, इसको छोड़ता मगर उतार करने का हुक्म देंगे, नहीं तो तेरे को पूरा भस्म करा देंगे। बोल तेरे पे क्या फैसला देना तेरा, बोल तुमको लग रहा रे, हाँ क्या लग रहा चल रहे तेरे, तेरे बाप का राज चल रहा था तेरे,
तेरे बाप की दुनिया है रे मनमाना करने को, अल्लाह के बंदों को परेशान करने को। हाँ करम टुकड़े भी तेरे, बोल और क्या करा था तूने उसको। हाँ बोल जल्दी बोल, बोल जल्दी। कितने लोगों को मारा अभी तक, वो पूछा मैं तुझे जल्दी। और तेजी से झगड़ो उसको, झगड़ो तेजी से। हिला उसको जल्दी पानी, चल बोल बे कर दो पूरा खत्म, कर दो पूरा खत्म, जल्दी बोल। तेरे दोनों हाथ काट के छोड़ेंगे, फिर लग तू किसको लगता देखेंगे, लगेगा दोबारा किसको जिंदगी में, नहीं करेगा कोई इंसान को परेशान, नहीं सही से बोल कौन था तू, कहां मरा था तू, समझ में नहीं आ रहा मेरे, ऐसा दिलो याद तुझे भी, साईं साहब बता जल्दी। क्या था बोल, क्या था, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या था तू बहुत बड़ा, जल्दी बोल, जाने नहीं दूंगा मैं तो, अभी जलाओ उसको और मारो उसको नाले। क्या था कौन था तू, मरने से पहले कौन था, जल्दी तेरे दोनों हाथ जला देता हूँ, बताओगा तेरा मैं क्या करूँ, कमीने साले जलाओ उसके दोनों हाथों में तेजी से जान लगाओ। अल्लाह मुफ़ाद, कौन था तू मरने से पहले, कौन था, जल्दी हाँ बोल, चल बोल जल्दी। क्या पूछा मैं, लगाऊँ तेजी से दोनों हाथों में, हाथ लगाऊँ, हाथ बोल जल्दी, कौन था, सही बोल, सही बोल रहा हूँ, जोर से बोल, सही बोल रहा हूँ, खुद को खुद आया, खुद को खुद आया था, कहाँ से आया था, उसके माँ के गांव से, माँ के गांव से, माँ के गांव में कौन सी जगह से, नीचे वो नहीं, खेतों में काम करने जाते थे उधर का, खेतों में काम करने जाते उधर का है, वहाँ क्या कर रहा था तू, मर के वहाँ से खड़ा था, वहाँ फिरता था तू, क्या नाम था तेरा मरने से पहले, कौन से जात का था तू मरने से पहले, मैं हिंदू का, तो मर के तू वहाँ क्या कर रहा था, क्या कर रहा था वहाँ, क्या कर रहा था वहाँ, मैं कुछ भी नहीं, खाली ऐसे हरकत आ करने खड़ा था, तो वो बच्चों को परेशान करने, कितनी उम्र में मरा था तू, उम्र कितनी थी तेरी, मैं जवानी में मरा, कितनी उम्र थी तेरी जवान, कितनी उम्र थी, 25-30 साल थी, बच्ची को शादी से पहले लगा था, शादी के बाद लगा था, पहले लगा, शादी से पहले लगा था उसके आंख पे था, उसके आंख पे उसकी शादी करने से ज्यादा होगा, अरे भाई पूरी तरह मारो उसको, तुम जैसा बोले वैसा डॉक्टर साहब, खत्म कर तुझे आजाद कर देंगे, और तुझे और लोगों को बच्चों को परेशान कर रहा हूं, और किसको भी लगेगा तू, बोल मैं खुद
तंगा होगा था, डॉक्टर साहब ही नहीं हाँ वहां बता रहा था, मगर मैं बहुत मनागी ले लिया था। जल्दी बोल, आपकी जैसी मर्जी वैसा। देखा भाई कितनी फोर्स पड़े आ रही तो? तू फोर्स को घूम लिया खाने में डालने का? बोल। मैं तो नहीं जा सकता, अब तुम्हारे हाथ में गिर गया, अब तुम तो नहीं छोड़ते। एक बार भी नहीं छोड़ता, फोर्स को घूम दे देंगे तो ले जा खाने में डालने का। बोल। मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। करेगा दोबारा किसी परेशान नहीं करता, जोर से तो नहीं करता रे, जोर से सब नहीं करता रे, कर तो नहीं करता रे, थोड़ा सा जल्दी जोर से। कितने साल हो गए थे इसकी शादी को? 17 साल चढ़ रहे। 17 साल से परेशान कर रहा था तू, 17 मिनट के अंदर सिलेंडर कर रहा था यहाँ पे। करेगा कोई इंसान को परेशान? लगेगा कोई बच्चे को मुहारिब कभी? बोल जोर से। जाएगा बच्चे की तरफ दोबारा कभी? करेगा इसको परेशान? नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, छोड़ता रहा मैं तेरे पास और आता जोर से। हाँ फिर आता रहा मेरे पास, तू नहीं आता फिर तो देखो अभी खर्च करा देते, जाने नहीं देते ना। बोल। पानी पीता हूँ। ऐसा लाओ रे पानी पिलाओ उसको, जलाओ उसके पेट में आग लगाओ तेजी से। फटर सर देखा, बोलो क्या करना? जैसे तुम्हारी मर्जी है। करेगा दोबारा कोई बच्चे को परेशान? नहीं। कोई इंसान को, कोई आदमजात को? नहीं। अरे भाई इस्लाम का कलाम वो चीज है, मगर मेरे बात तू आखिरी वक्त तक मिला दे, मैं तो अच्छा अच्छा को हाथ दे दी होने डॉक्टर टीपू सुल्तान, मैं तो सैलानी को नहीं मिला था रे, कुर्सी तो कचरा रे, नांदेड़ का कुर्सी, मगर तू बहुत पावरफुल है रे भाई, तेरा अल्लाह का कलाम बहुत बड़ा है। इसको ना बात लग रहा था रे, तू भी नहीं बोल रहा था क्या? मैं सुन रहा था रे, तू तारा भी तोड़ दे रहा था। बिल्कुल रे, उन चिरागों में बैठना पड़ गया। बिल्कुल ज्यादा कर रहा था, ज्यादा करके दिखा रहा था तू उसको। क्या भाई मजा तेरी अब? हाँ और क्या कर रहा था? दोनों को नहीं मिलने दे रहा था, दोनों में मोहब्बत नहीं रख रहा था, पूरा सुखा दे रहा था, बीमारी पे डाल दे रहा था। मैं दिया चिरागों ने नहीं पढ़ना बोल के तू सितारा तोड़ दे रहा था। हाँ बिल्कुल नापाक कर दे रहा, सैलानी गजब से कर दे रहा था, इन्हें सैलानी जैसा रास्ता पकड़ा वहां से ज्यादा कर दिया। अब देखा ताकत अल्लाह कलाम की, उसे निभने लगी। देखा पंजे में कैसी ताकत, तोड़ तेरे टुकड़े करो कमीने। अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ने दे रहा उसको, नालायक तारत तोड़ दे रहा था। बोल उसकी बीबी के आंख पे तब आदमी चिड़के इसको लग गया, तू लगा इन्हें जैसा बता रहा था इधर उधर, तो इसका आंख पे आ गया, इन्हें नहीं लग जाना। सही बोल, देखना डॉक्टर उसकी बीबी की देख हालत कैसी है। तूने कर दिया उसको काढ़ी जैसा सुबा दिया, उसे खाना आंख को नहीं लगने दे रहा था। बिल्कुल अब करेंगे, अब डाली ना उसको कोई बीमारी पे। अब हाँ बोल, मैं नहीं गए तो क्या करता तू? ऐसा काट देता तेरे दोनों हाथ, काट दूं? बोल
तेरी कोई मिसाल नहीं मेरे सामने। दूसरे तीसरे राउंड तक तो तेरे पूरा जला के भस्म कर देते। बोल टुकड़े टुकड़े करा दू क्या? फिर तो तेरे पे मुकदमा चलेगा, फिर तो तेरे को सजा भी मिलेगी। फिर बोल बहुत तबाह कर दिया इसको मैं, बहुत तबाह कर दिया पूरा, इसका घर वीरान कर दिया। इनको दोनों को एकदम खबर के नजदीक ले चले, खबर के नजदीक ले जा रहा। चल अब खैर, अब तेरे को क्या बोलते तो तेरे दोनों हाथ काट के जलाने का फैसला दे देंगे। तू करा जोर से बोल कि तू करा नालायक। हाँ उसके हाथों घुमाओ घुमाओ, उसके हाथों घुमाओ घुमाओ घुमाओ, जकड़ लो उसके हाथों को, जकड़ लो उसके हाथों को, डालो जंजीरा, जकड़ो तेजी से। मगर तू नहीं पूछ रहा उसकी बीबी को, ये बात सही है झूठे पूछ। वो मेरा साथ देती नहीं देती थी पूछ, तू सही सही आमिर है तो पूछ। क्या करती थी, क्या साथ देती थी तेरा? मैं इसका शोर पूछे तो मेरे को कुछ भी नहीं है बोल के बोलती थी पूछ, ये सही है झूठे पूछ। दिखता था नहीं दिखता था बोल, बोला दिखता था वो तुम्हारे शोर को, तुम नहीं बोलते थे, बोलते नहीं दिखता नहीं आता अंक पे ऐसा कुछ नहीं। उन्हें तुम्हारे से मिले आला था और तुम उससे मिले आले थे, और बाद में उन्हें तुम्हारे को भी निचोड़ डाला, इनको भी निचोड़ डाला, दोनों को भी मारने की तैयारी। तुम्हारे को दिखता भी था बोलते और तुम्हारे से बात भी करता था वो, मगर तुम्हारे शोर को तुम बोलते थे, बोलते कि नहीं दिखता कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं मेरे पास। क्या है बात करता था क्या वो? इधर जवाब दो मेरे तरफ देख के। झगड़ो उसको, छोड़ो मत इसको, नालायक को
क्या पूछा मैं जवाब क्या करता था तुम आपको दिखता था सब होता था फिर तुम्हारे शोर से कैसे छुपा रहे थे तुम ये सब बात खुल गई ना पोल पूरी अब तुम्हारी यहाँ और कितने बच्चों की जिंदगी खराब करा अभी तक हाँ कितों क्या करा तोड़ दो हाथा वो चकड़ो उसका तो उसे चकड़ो बोल हाँ उसको गुम कर देता था उसकी तबीयत सही नहीं रह देता रहने देता था छिड़छिड़ापन पूछो ये बात सही है झूठे उन्हीं छुपा रही तो पूछो ना दोनों में ये बाकी रहती थी नहीं पूछो ना पूछो ना मोहब्बत नहीं रही सर का नहीं सही पूछो उन्होंने झूठ बोल दिए और क्या कर रहा था उनके दोनों बोलो ना मिलजुल के नहीं रह देता था कुछ भी बहाने लगाता था थोड़े बहुत मेरे हरकतों पे डालता था मेरे हरकतों पे डालता था क्या तेरे हरकत दिल और दिमाग उसको भी भड़काता था पूछो बात है सही है झूठे पूछो ना पूछो ऐसा बुरी ताकत का मीन चल जल्दी तोड़ दूंगा बात जकड़ो उसके हाथों को जकड़ो अरे कमी ने तू कहीं हाजिर हुआ था इससे पहले कोई इलाज वाले के पास या कहीं दरगाह पे कहा हाजिर हुआ था सैलानी में जूता बना रहा था रे नांदेड़ में मगर उसको मैं चाटी मार दिया खुर्शीद को उन्हें हाजिर करा था मारा था मेरे को बहुत सैलानी बाबा के पास भी हाजिर हुआ था मगर झूठ बात करा मैं उनके मोकिला से अब यहाँ को नहीं मार अब यहाँ पे तेरे हाथा उखाड़ देते अब यहाँ देखा ना तेरे बाप लोग को भी नहीं चलने दिए यहाँ तो तेरी क्या मिसाल है कम वक्त इसको बीमार कौन कर रही थी इसको मैं कर रहा था इसकी छाती में दर्द इसकी बीवी को इसको भी रहे झगड़ो उधर से डालो और तेजी से जरा बाथरूम में गिराता था इसको भयानक शक्ल में नींद में दिखता था नींद में दिखता था रे इसके बुरे शक्ल में इसके नींद में दिखता था इसके बीवी के इसके नींद में आके उठाता था रे भाई इसके बीवी को पूछना तू वो खून पीरा था तू उनके आंग में का बिल्कुल दाता गर्दन में से गड़ा के कमीने पिशाच है तू हरामी इसके बहन को भी ले गा रहे भाई लोगों का
इसके बीवी में जला, इसके बीवी में सीने में जला। मैं बहुत परेशान करता था, जूस लेता था मैं नाइट के टाइम में, सुबह में नहीं उठने देता था इनको, गर्दन में दांत कड़ा के खून के रहा तू कमीने पिशाच। आसान कर दूं, तोड़ दूं हाथों को दोनों, जकड़ो उसके हाथों को और तेज जकड़ो, और उसके अंदर से आग भी लगाओ, लगाओ उसके अंदर से आग। पूरे दवाखाने घुमाया रे डॉक्टर, दवाखाने गए तो खुश रहता था रे मैं। देखे छोड़ दे, इनकी दोनों की हिफाजत कर देखे छोड़ दो। कैसा छोड़ी तो, और कोई बेगुनाह परेशान करो तो, गुनाहगार को परेशान करे तो बात अलग है, बेगुनाह को परेशान करे तो अच्छी बात नहीं ना होता, फिर मेरे पास आते ना। मैं अल्लाह को कैसा मुंह बताता कि बहुत परेशान कर रहा मैं। कितने बच्चों की जिंदगी खराब करा अभी तक, अब्बा मैं मेरे परेशानी में छोड़ दे रहे थे रोक दिया इसकी हाजरी।
अब तोड़ देता हूँ तेरे हाथ में। नहीं मैं उसके सैलानी के एरिया में तो चल जाता था, चूतिया बना के जाता था। सैलानी बाबा के एरिया में जाने से पहले तू भाग जाता था। ओ, किसका था भी जो नाम लेके चूतिया बनाता था, झूठ बोलता था। सैलानी खुद परेशान थे, उनके मोकिल भी खुद परेशान थे इस मेरे लिए। बदनाम कर रहा था ये कैसे बोली गाली चूतिया बनाने वाली। कमीने तेरी जबान टिप्पू सुल्तान, उनके वकील भी बाहर आए सो है। सैलानी है सैयद अब्दुल रहमान, अब्दुल हाजी अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, मैं तेरे को भी धोखा दिया था। अब्दुल रहमान आए, हाजी अब्दुल रहमान आए तेरे पास। अब्दुल सत्तार, तेरा नाम सैयद अब्दुल सत्तार है, तू नमी के बनाने में से है, तेरे भाई पढ़ता हो। हाजी अब्दुल रहमान भी बाहर आए, मैं ना कहूँ, मैं ना कहूँ, मैं ना कहूँ। अब्बा मेरे सैलानी आए, ताजुद्दीन के सैलानी आए, अब्दुल रहमान आए, अब्दुल रहमान, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। अब्बा इसे बीवी पे मैं आता था, अब्दुल सत्तार सैयद सैयद घराने के। अरे भाई इसके हंग पे आते थे मैं, सैलानी आते हुए इसके बीबी के हंग पे आके मैं भाग जाता था। जूतिया मना रहे सैलानी के पास कुछ भी नहीं बोल के इसके बीबी को भगाता था। इसको खुदा रसूल के वास्ते पूछ, सैयद अब्दुल सत्तार तेरा नाम टिप्पू सुल्तान नहीं है। मेरे हाजी अब्दुल रहमान आए, अब्दुल रहमान आए, उनके भी वकील आए। तेरे को साथ दे रहे कि नहीं, सही बोल, दे रहे नहीं दे रहे, दे रहे कितने को दिन मेरा नाला है अली के घराने के सर सभी से ना लोग। देखा ना उसे इतने दिक्कत बैठा है। अब पाकी जी से जाता हूँ सैलानी के पास मैं, पाकी जी हालत में जाता हूँ। मेरे वली भी आए, मेरे वली भी आए, कभी आके चूतिया मनाता था इसको मैं। मेरे वली भी आए खरीब में से, इसके बीवी को आके भगाता था। सैलानी के पास कुछ नहीं होता, खाली चूतिया नहीं, नहीं मानते थे, इतनी नहीं मानते थे। पूछो खुदा रसूल के वास्ते पूछो, बोलती थी कि नहीं पूछो, इसको हाजिरी दिए थे। बोल के साली बोलना, अभी तक साथ दिया गए, साथ दिया बोल देंगे, आज बोल देगा, बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे, कुछ भी नहीं। सैलानी में बोलती थी भाई गाता था इसको पकड़ा था भाई, बागदानी में इसको पकड़ा था। सैलानी को भी चूतिया बना के गया, उनके मुकिल को पूछो खुदा रसूल के वास्ते सैयद अब्दुल सत्तार सैयद घराने के, तुम पूछो पूछो पूछो, बात सही है कि नहीं, बागदानी में पकड़ा था कि नहीं, दिखा था कि नहीं, पूछो पूछो, उन्हें झूठ बोलते। तो दो ताकत है रे भाई, हाजी अब्दुल रहमान भी आए ताजुद्दीन के, उनके मोकिल आए, उन्होंने तो मरू में तेरा साथ दे रहे रे भाई, दे रहे नहीं दे रहे, सही बोलो, दे रहे नहीं दे रहे बोलो, तुम्हारा साथ दे रहे नहीं उनके मोकिल, दे रहे नहीं दे रहे। हाँ मेरे वली होते मेरे दिल में समा के थे, मगर इसको नहीं सुधरन दिया। मेरा मजाक उड़ा दिए थे ताजुद्दीन का, उसके वास्ते मैं बहक गाता। ये लोग हमें बोली सिफत में मेरे को चार महीने रखे थे, इसको चार महीने रखे थे। सैलानी चार महीने रखे थे, नमाज गुजारा था, कलाम पाक पढ़ रहा था, चार महीने तबीयत अच्छी हो गई थी। चार महीने हट गया था मैं, मार्च फर्स्ट को गा, जुलाई में जून में आ गया। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके बीवी का था, इसको खानी परेशान कर रहा था मैं। ये लोग सही नहीं मानते, ये लोग सही नहीं मानते।
औरत जात के सरकार है ना डॉक्टर साहब, नहीं तो हम कहाँ से आते, हम कहाँ से आते, हमारी हस्ती क्या है, इस्लाम के लोगों को जीने की, नबी के उम्मत को जीने की हस्ती क्या है डॉक्टर साहब तुम बोलो, मगर औरत जात भी औरत जात के सरकार है ना, ना रहना नहीं रहना, तुम्हारा मालूम हो जा रहा कि नहीं, तुम सही बोलो, सब करेंगे सब राइट, अब दोबारा तू दिखना नहीं, नहीं दिखता, नहीं दिखता, देखा ना अल्लाह करम से किस ताकत है, हम तो बिगर पर्दा करने वाले से बहुत कुछ रहे थे, बिगर पर्दा करने वाले से बहुत कुछ रहे थे, हम बिगर पर्दा करने वाले से बहुत कुछ रहे थे, उनको तो भाई कहते और बिगर पर्दा करने वाले से कुछ रहे थे, जो लड़की जो पर्दा नहीं करी उसको देख के बहुत खुश रहे थे, हम मेरे के लड़कियां के आप सैलानी के आए, सैलानी के देखो बोल रहा हूँ मैं, देखा नालायक, देखा करेंगे आप दोबारा परेशान, नहीं आएगा दोबारा किसके आंग पे, नहीं करेंगे आप किसी माँ बहन बेटी को परेशान, नहीं देखा ना सैलानी बाबा आए बोल के तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो बचने वाला नहीं था तू, एक बार पूरा खत्म करा दो, चल छोड़ू चल खत्म करा दो पूरा, चल दोबारा आप कभी मुझे क्या बोलते तो दिखना नहीं उसके आंग पे भी नहीं दिखना, तोबा कर जल्दी, चल उठ के तोबा कर बेअदब, जल्दी तोबा तोबा कर जल्दी, करेगा इसको परेशानी बच्चे को, करेगा उसके पेट में दर्द, लगेगा उसके पेट में आग, करेगा उसका सीने में दर्द, करेगा उसको आईसीयू मिल जाएगा एडमिट, लगेगा उसको घबराहट बेचैनी, करेगा उसकी औरत को परेशान, देगा उसकी औरत का खून उसका खून, तो तुम्हारे पास लाना बोल, वो तो आएगा होंगे अगर तू परेशान करागी मेरे पास, फिर बाद में छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, चल बोल अब, जब मेरे पास रखू तो छोड़ दू, आजाद करू के मेरे ताबे में ले लू, जल्दी बोल, हाँ जल्दी बोल, हाँ क्या करू आजाद करू या मेरे ताबे में रखू, आजाद करे तो मैं बानास पड़ता है कहीं हाथ रख दूते को मेरे ताबे में, लोगों की खिदमत करना जो लोग आते तो उनकी बाहर के लश्कर में जाके खड़े हो जा, किसका गुलाम है तू, जोर से बोल सबको सुना, सैयद टीपू सुल्तान, जोर से बोल सैयद टीपू सुल्तान, सैयद टीपू सुल्तान का गुलाम है अल्लाह की हुकुम से, पड़ा कलमा ला इलाहा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से तू अब मुसलमान जी ने समझ गया ना इशाज, अब जाके शामिल हो जाना बाहर सफों में खड़े हो जाना, और मुसलमान जिन्ना तो अल्लाह ने जो गिजा चुना वो गिजा खाना, इबादत करना अल्लाह की, कुरान सीखना, नमाज सीखना, आगे बोलो ठीक है, जो लोग आएंगे मेरे पास उनकी खिदमत करना, कहाँ से बात कर, चल छोड़ उसको और चले जा बाहर छोड़ के, मैं उनका बड़ा भाई बोलूं बाबा ला हूं सर को, सर दो जगह देखते वो हटो बीच में से, चल जा छोड़ ये छोड़ पंडर मेरे से दी, चल जा बाहर, जा बाहर जा, जा छोड़ दे उसको, छोड़ दे छोड़ दे उसको, बाहर जा, बाहर की सफों में खड़े हो जा, चल बाहर की सफों में खड़े हो, चल जल्दी जा, पानी पीता, पानी पीता, पानी पिलाओ, चल पानी पियो और बाहर जा खड़े जा उसको छोड़ के, अब दोबारा उसको परेशान नहीं, चल इधर छोड़ दे जल्दी जा, टाइम नहीं मेरे पास, चल जा चल जा बाहर जा, चल जा जा शाबाश जा जा शाबाश जा बाहर जा, रास्ता खुला है, भाग भाग भाग,
बाहर चल जा, जा जल्दी। चल जा, खुदा का रास्ता खुल रहा है, बाहर की सफों में खड़े हो जा। जब भी मैं तेरे को आवाज दूंगा हाजिर हो जाना, तेरा नया नाम रखे बन जाना अब्दुल बारी। अब्दुल बारी हाजिर हो, बल्कि हाजिर होना अब्दुल बारी। अब्दुल बारी नया नाम है तेरा, छोड़ दे उसको अब्दुल बारी। बाहर जा, खड़े हो जा, इबादत का तरीका सीख, इबादत कर अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा। हाँ जा, क्या जल्दी, अयामत के दिन अल्लाह जन्नत में डालेगा, अल्लाह वालों की मदद करेगा। सब अल्लाह की मखलूक को परेशान नहीं करेगा तो, और परेशान करा तो जहन्नुम में डालेगा अल्लाह, समझा ना। जा बाहर खड़े हो जा, शाबाश जा, जा अब्दुल बारी रास्ता खुला जा। हाँ चल जा, जा सलाम करो बाहर जा खड़े हो, चल जल्दी। वालेकुम सलाम, जा अब्दुल बारी बाहर जा खड़े हो जा। हुकुम की तामील हो, नमाज पढ़, इबादत कर, कुरान सीख बाहर सबसे, बहुत खड़े हैं पूरी बाहर उनसे, और अल्लाह की बात कर ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी लोग आते हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं। चल अरे क्या हुआ, अंदर आते जल्दी, क्या हुआ, क्या हुआ जनाब, क्या होगा, देखो इधर वो कौन उधर बैठे हैं, देखो घर वाले, तुम्हारे घर वाले, और कौन है तुम्हारे साथ में, मेरी बच्ची, बच्ची है। क्या हो रहा था तुम, आप कुछ परेशानी हो रही थी क्या, ऐसे मेट मेटो कुछ हो रहे थे क्या, दम वम कुछ चढ़ रहा था, घबराहट कुछ हो रही थी क्या घर पे, क्या क्या हो रहा था घर पे बोलो, भेजे में दरार, इसमें कैमरा में दिख लो, भेजे में दरार, पीठ में दरार, कुरान जिसम से गला में दरार, पेट में दरार, अच्छा कब से हो रहा था ये, ऐसा तो 3-4 साल से थोड़ा थोड़ा था, जैसा सैलानी गाँव है वैसा ज्यादा हुआ। अच्छा फिर उसके बाद, 4 महीने आराम था। अच्छा फिर उसके बाद ज्यादा सैलानी बाबा की तबीयत में राइट था, उसके बाद फिर तबीयत बिगड़ गई। अच्छा फिर उसके बाद, अब तो बहुत ही सीरियस हो, एक बार तुम्हारे पास आया 15-20 दिन पहले, वहाँ से तो ज्यादा सा आ गया वो, बड़ी भी को आ गया वो ना, आ गया उतारे का सामान तुम आप दिए थे, उतारे का सामान लेते थे तुम, फिर क्या हुआ, घबराहट भी चीज ज्यादा ज्यादा हो गई, ज्यादा बोले तो रात दिन एक होगा था। अच्छा फिर उसके बाद पहला उतारा हुआ, उसके बाद फिर आप आए तुम, फिर हाजिर करो, उन्होंने खुद बोल रहे थे बताओ बताओ, कह देखो आ गया सामने, सब बोल दिया हमने चलेगा, ऐसा तरीका है, खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से लाते बरोबर, पहले चक्कर में करो बोल रहे थे तुम हाजिर, मगर पहले चक्कर में नहीं हुआ, अभी तुम्हारे आंग में आया था, एक घंटे से अभी दिंगाना चल रहा था, प्रजन का आंकड़ा बना था ये, अभी तुम देखो मालूम मिला था तुम्हारा पूरा नेट देखने के बाद, अभी आ गया तुम्हारे सब। फिर उसके बाद उन्होंने डाकू कार्य करा, अभी सब बोला 16 साल के 17 साल से तुम्हारे बीवी के आंग पे का था वो, इनको सब मालूम थी पूरी दास्तान, मालूम थी तुम्हारा, इनकी पूरी दास्तान मालूम थी, इनके पास आता था बात करता था, सब बोलता था इनको, और बाद में ये भी बोलता था कि सैलानी बाबा के पास मत जाओ, वहाँ इलाज नहीं होता, झूठ बोलता था उनको, वो तुम्हें जाने से उसको मार पड़ रही थी बोल के। फिर बाद में तुमको क्या बोलते थे उन्हें, फिर ऐसा करा उसने तुम्हारे दोनों को सुखा दिया, फिर पूरा सुखाते सुखाते खून पीता था उन्हें, यहाँ से यहाँ दर्द होता था कि यहाँ पे क्या होता था, इसमें दर्द इसमें होता था, हाँ अंगार पिशाच था, यहाँ से दाँत गड़ा के खून पीता था, और इनके गाँव से आता होते उनके माँ के गाँव से, सब मालूम था, मगर इन्होंने तुम्हारे बोलते थे, बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं होता मेरे को, बस हम आइडिया करते थे तुम्हारे से छुपाते थे, मगर उन्हें अभी पोल खोल के रख, और दूसरी बात क्या बोलते थे वहाँ उनके गाँव में खड़ा रखता था उन्हें, और भी बहुत सारी बच्चियों की जिंदगी खराब करा उन्होंने, सुखा दिया काले जैसे कर दिया मार दिया उनके साथ में, बहुत सारी बातें वो बोल भी नहीं सकता मैं क्या क्या करा, तो उसमें देखो उन्होंने थोड़े बहुत शॉर्ट में बोला, उसके अंदर पिशाच हो कमीने वैसे करते हो, अब खैर उसको तो मुसलमान ऐसा नहीं हो, जिन्ना तुम एक अलग कसम आती है, खून पीने वाली दाँत गड़ा के काले जुब्बे में रहता हो, काले जुब्बे में कहीं ऊपर के उदारिया लड़ता हूँ, हाँ बाल ऐसे बड़े रहते उसके, और वो दाँत बाहर निकले आ रहते, दिखा था कि तुम अब कभी कब दिखा था, बाथरूम में गिराता था, तुम्हारे को बात भी करके जाता था, तुम उससे मिले आ लेते, सब बोला उन्होंने तुम्हारे को रास खोला ना,
अरे एक बार घर में ऐसा दिक्कत पड़ गया था, यहाँ लाना पड़ता, उन्हें पटक रहा था, पीछे आज काले छुपे में था क्या? हाँ उन्हें तुम्हारी यहाँ यहाँ दर्द होता था कि पीछे इसमें चुनिया था, यहाँ से पूरा पूरा पीछे से तुम आकर नीचे कर पूरे दाद गड़ा के खून पीता, वहां से दाद गड़ा के खून पिया तो पूरा सर में दर्द होना चल जाता ना, काड़ी की जैसी हालत हो जाती। अब बस डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, दोनों को तावीज दे दो, हम सेहतमंद हो जाना। हो गए अल्लाह करम से बोला ना, आपका एहसान छोटे छोटे बच्चे। और एक बात बोल रहा हूँ, हम जैसे मियाँ बीवी है, पाँच छह महीने से एक साल तो मेरी हालत खराब है, पूरा हम आगे। और वो तो उन्होंने सब बोला भी क्या तुम्हारा इंफ्लुएंसर का कैमरा नजदीक लाओ, उधर कैसे लगा क्या हुआ तुम्हारा? तभी सुकून ना लगा, जोर से बोलो। अच्छा मान रहा है, थोड़ा बहुत नेटवर्क आ रहा जा रहा था कि पूरे बात याद थी, कितने बात याद थे तुम शुरू से आखिर तक के, कि खाली बीच में कि भूल गए कि बीच आखिर के याद थे? जब थोड़ा होश में आ रहा था फिर उधर के लहर में चल जा रहा था, थोड़ा तुम बोल रहे थे थोड़ा उन्हें बोल, तुम्हारा याद आते फिर उन्हें याद आ रहा था हम पे। तुम्हें कितने सवाल याद रहे? क्या बोला डॉक्टर सर? क्या जोर से बोलो। हाँ अभी तो तुम बोल रहे आधे सवाल है आधे ना आधे, अभी क्या तुम्हें याद है बोलो? तुम कुछ भी नहीं, क्या क्या याद था मैं जब तुम यहाँ बैठे थे मेरे सामने, उसके बाद तो कितना याद है तुम्हारा? होश में क्या क्या थे तुम, कितना था होश तुम्हारा? यहाँ बैठे यहाँ तुम पानी मारे तो पानी मारने से पहले मुझे पढ़ रहा था कि हजारों का ऑर्डर थे, थोड़ा समझ में आ रही थी, फिर और वो लहर आ गई थी। अच्छा उन्हें बोल रहा था मैं, जवाब हम दे रहा था, तुम बोल रहे थे समझ में आ रहा था, फिर जवाब हम वो नीचे लौट रहे थे, हाथा बन दिए थे तो हाथा चिटक गए थे, तुम्हें याद है क्या? फिर लास्ट लास्ट में होश आया जब तो एकदम एंड का याद है तुम्हारा, हाथा चिटके थे जब का याद है क्या? हाथा चिटक गए थे तुम्हारे, दोनों बन दिए थे ना पीछे हाथों को, वो याद नहीं है? बगैर पैसों जोर से बोलो नहीं लगा ये अभी सैलानी बाबा आई थी उसको दान नहीं मिला, इनको जब तक दे दो इनके बहुत खाना नहीं था। क्या बोले थे तुम हाजिर कराओ हाजिर कराओ, पहली चक्कर में बोले नहीं आए तो उतारा जलाने का छोड़ जा रहा था पुकार बोला तब उसको मार पड़ दी थी ना, कैसा लाए फिर उसको दूसरे चक्कर में खुद ब खुद मेरे सामने पहले पढ़ते थे हाजिर हुआ ना सब बोला, तुम जब बैठे थे ना तो जब से तुम आखिर तक का देख लो तुम सब मालूम था कितने मिनट का बना रहे हो। एक हाफिज साहब को जाके बोला था रमजान है तो हो सकता जेल से जैसा हो सकता था, वो सब बात होते थे मगर इनो तुम आपको नहीं बोलते थे, बात छुपा देते थे, इनकी पोल खुल गई अभी। और दूसरी बात इनको बोलता था कि सैलानी को मत जाओ, फेंकाता था इनको वहाँ जाने से कुछ नहीं होता, यूँ तुम्हें सब फेंका के इनको डोरे ला के खींचता था, बाथरूम में गिराता भी सामने ढक्कन के देता था, होता था। चलो ठीक है अल्लाह करम से हो गए, कैसे लग रहा? थोड़ा आराम है, दर्द पूरा तकलीफ थे,
अब लगनी है नींद अच्छी अपन नहीं आता रास्ते पर बोला ना उन्हें भगत पुलिस को तो यहाँ ले लिए पकड़ के वो बनाओ वो करो बताओ लोगों को शैतानों को तक क्या खला होगा कि औरत बेटी कोई भी जो है तो पर्दा अगर नहीं करती वो तो शैताना बहुत खुश होते हैं बचपन को पता नहीं लोट लोट के हम बहुत खुश होते बोले औरत अगर पर्दा नहीं करे बेपर्दगी से घूमे तो पर्दादार खातून इबादत करने वाली उसके नज़दीक भी नहीं जाते हैं बला है शैताना है सब। इस वास्ते हर कोई इस कुरान सीखो इबादत करो अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो तुम आपको भी आती क्या पढ़ने तुम भी पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात क्या बोलते हो पाँच वक्त की नमाज की पाबंदी करो पूरी और हर नमाज के बाद कुरान पढ़ने की तिलावत करना जितना भी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा। तीन घंटे का पिक्चर देखना अच्छा मालूम होता बैठ के एक जगह इबादत करने का ना आधा एक घंटा अल्लाह की ये सब चीज़ों से महफूज रखता ना फिर अल्लाह सारे दुनिया वालों को पैगाम है सब हर कोई जो भी सुन रहा इबादत करना अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा। और बाथरूम में जाने लगे तो दुआएं पढ़ के जाना हर चीज़ की दुआ याद करना हदीसा याद करना बहुत सारी फैसिलिटी हो गया लिए। और इस्लाम 360 बोल के ऐप्स है जिसके अंदर तुम मोबाइल के अंदर पूरी कुरान सीख सकते हैं हाथ में लेकर हर चीज़ है फैसिलिटी है दुनिया में अल्लाह करम से हर चीज़ की उसका अच्छे से यूज़ करो। मिसयूज़ अगर करेंगे मोबाइलों का यूट्यूब का इंटरनेट का तो फिर ऐसे सज़ा भी मिलते तुम्हारे लोग इबादत करेंगे अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सीखो हदीसा सीखो चलते फिरते नमाज जिक्र अस्कार के तरीके अच्छे से सीखो और भी बहुत अच्छी बात है दुनिया आखिरत दोनों बनेंगी दोनों में भी सक्सेस होंगे कामयाब होंगे। ठीक है चलो ठीक है कार्ड आऊँ ऊपर रखे ले जाऊँ चलो हो गए राइट जा रहे ठीक इबादत वो करो नमाज वो पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह चलो यूट्यूब का खोल के बता देने का लोगों को उसमें डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस रहता ना यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन खोले तो उसमें एड्रेस भी रहता उसमें नाम रहता सब रहता नंबर रहता फिर भी कार्ड डाली जाओ रखो कार्ड दवा खाने के चलो हाँ जाओ।